नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9th की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। आज अपन पद्य खंड ग्राम श्री कविता का अगला पद पढ़ेंगे, जिसमें कवि ने बसंत ऋतु के आगमन के समय उपस्थित प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पद देखिए, कविता का पद देखिए। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। मैं के कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन से प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है, तथा कवि कह रहा है कि अब आम के पेड़ की डालियों पर रुपेले सुनहरे बोरों से लद गई है, अर्थात अंबिया लगने लगी है। पतझड़ ऋतु के आने से ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगे हैं। कोयल मतवाली होकर कूक रही है, अर्थात बोल रही है। कटहल का पेड़ महक रहा है, अधखिले जामुन उग आए हैं, तथा जंगल में झरबेरी फूली, अर्थात बेर लग गए हैं, और आड़ू नींबू आदि वृक्षों पर फूल खिलने के साथ साथ आलू गोभी बैंगन मूली आदि सब्जियां भी उग गई है, अर्थात पल्लवित हो गई है। कवि ने प्रकृति के साथ साथ उसके सौंदर्य का भी बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। काव्यांश की भाषा सरल है, तथा मौसम के अनुरूप जिन फल फूलों का वर्णन है उसको कवि ने बड़े ही सौंदर्य ढंग से बताया गया है। अगला पद देखिए। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, औंली से तरु की डाल जड़ी। ले ले पालक मैं धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इस पद में कवि ने फलों का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि अब अमरूद पीले हो गए हैं, तथा उनमें लाल लाल चितियां पड़ी, अर्थात लाल बीज पड़ गए हैं। एक पक गए सुनहले मधुर बेर, बेर भी पक गए हैं, और आंवले के वृक्ष पर आंवलियां लग गई है, पालक लहरा रहा है, धनिया महक रहा है, लौकी और सेम फली भी लग गई है, मखमली टमाटर लाल हो गए हैं, और मिर्चियां ऐसे लटक रही है जैसे कोई हरी भरी थैलियां लटकी हुई हो। अगला पद देखिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगर उठी रहती सोई। इस पद में कवि ने गंगा की रेत अनेक रंगों से सुशोभित है, रेत में बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों तथा उसमें रहने वाले पशु पक्षियों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि गंगा की रेत अनेक रंगों से सुशोभित है। बालू का मतलब होता है मिट्टी। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी, गंगा की जो रेत है वो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ ऐसी बनी हुई है, उन पर इतनी सुंदर और शोभायमान लगती है जैसे उस पर सांपों के चलने के निशान बने हुए हों। गंगा के किनारे पर नरकुल अर्थात सरकंडे के पौधे छाए हुए हैं। गंगा की रेती में तरबूजों की खेती होती है। आसपास
बगुले विचरण कर रहे हैं, तैर रहे हैं। किनारे पर मगरोटी नामक चिड़िया सोई हुई है। इसमें कवि ने गंगा नदी का वर्णन मनोरम ढंग से किया है। पर देखिए, हंसमुख हरियाली हिम आतक सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में सिनिग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। इस पद में कवि ने गांव की सुंदरता का मनोरम ढंग से वर्णन किया है तथा उसका मानवीकरण किया गया है। कवि कह रहा है कि खेतों में चारों ओर हरियाली छाई हुई है तथा वह सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई दिखाई दे रही है। सर्दी की धूप और हरियाली सुखपूर्वक सोते से लगते हैं, अर्थात सर्दियों की जो धूप होती है वो सुहावनी होती है और सहन करने योग्य होती है, और हरियाली ऐसे लग रहा है जैसे धूप उसमें आरामदायक सो रही है। रात का अंधकार ओस के कारण भीगा भीगा सा प्रतीत होता है। तारे सपनों में खोए जान पड़ते हैं। हरियाली से भरा यह सुंदर गांव ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वह हरे रंग के रतन पन्नों से बना खुला हुआ डिब्बा हो। ऊपर स्थित नीला आकाश इस डब्बे पर ढका हुआ नीलम रतन से बना ढक्कन जैसे लग रहा है। शीत ऋतु की समाप्ति पर इस गांव में एक प्यार भरी अनोखी शांति छाई हुई है। अपनी अनोखी शोभा से यह गांव लोगों के मन को मुग्ध कर रहा है। इसीलिए कवि कह रहा है कि बड़ा ही मनोरम दृश्य है। शब्दार्थ देखिए, रवि सूर्य या सूरज, वसुधा पृथ्वी या धरा, सनई एक प्रकार का पौधा जिसके रेशों से रस्सी का निर्माण किया जाता है, मुकुलित अधखिला, अमली छोटा आंवला, सरपत तिनके या सूखी घास, किंकणी करधनी व्रंत यानी डंटल, मरकत पन्ना नामक रतन जो हरे रंग का होता है, हरना आकर्षित करना, सुरखाब चक्रवाक पक्षी, हिमातप सर्दी की धूप, स्वर्ण सोना, कोकिला कोयल पक्षी जिसकी आवाज़ बड़ी मधुर होती है। पहला प्रश्न देखिए, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? उत्तर में देखिए, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक वातावरण बेहद मनोरम और सौंदर्य से भरा पूरा है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, अतः गांव का अद्भुत नज़ारा सबके मन को छू रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर में देखिए, कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर में देखिए, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि मरकत एक प्रकार का रत्न होता है जिसका प्रसिद्ध नाम पन्ना है। यह रत्न हरे रंग का होता है। कवि ने मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की है। जिस प्रकार मरकत चमकता हुआ हरा भरा सा दिखाई देता है, ठीक उसकी प्रकार धरती भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकती हुई हरी भरी दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न देखिए, बालू के सांपों से
अंकित गंगा की सतरंगी रेती का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि गंगा किनारे जो विभिन्न रंगों में सनित रेत का भंडार है, उस रेत के टेढ़े मेढ़े दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बालू रूपी सांप पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी के द्वारा गांव की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि जब सर्दी के दिन में हिम अर्थात ठंड का आगमन धरती पर होता है तो लोग आलसी बनकर सुख से सोए रहते हैं। धरती की हंसमुख हरियाली और सर्दी की धूप दोनों खिले खिले से हैं, जिन्हें देखकर ऐसा आभास होता है मानो दोनों अलसाए हुए सो रहे हैं। सातवां प्रश्न देखिए, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर रहा झलक, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, इसमें हरे हरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द जब बार बार आ जाए और उसका अर्थ भी वैसा ही हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दूसरा है हित हरित, इसमें भी अनुप्रास है क्योंकि इसमें है वर्ण की आवृत्ति हुई है। तिनकों के हरे तन पर, इसमें मानवीकरण अलंकार है क्योंकि किसी निजी निर्जीव वस्तु का मानवीय स्वभाव के समान व्यवहार करके प्रयोग किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।